चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास यामाहा कंपनी का R15 वर्जन 3 बाइक है, और इस बाइक का अभी हम चेकअप करने वाले सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम, क्योंकि बाइक जो है जो सेल्फ से प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम इग्निशन ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे बाइक का इग्निशन ऑन कर लिए। देखिए जैसे हम बाइक का सेल्फ स्विच यहाँ पे दबा दें, कट कट का साउंड सुनाई देता है। राइट साइड में चलते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हम सेल्फ स्विच दबा दें, कट कट का आपको साउंड सुनाई देता है, रिले से साउंड आ रहा है, यानी कि बाइक का जो है सो बैटरी भी प्रॉपर चार्ज है, बैटरी की डिस्चार्ज में बैटरी प्रॉपर चार्ज है। आपको मल्टीमीटर से बैटरी का वोल्ट चेकअप करके दिखला रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए बैटरी का वोल्टेज पहले हम चेकअप करेंगे, बैटरी डेड कर गया सही है। मल्टीमीटर को यहाँ पे देखिए हम 20 पे सेटिंग कर लिए, 20 पे प्लस को प्लस वाले टर्मिनल में बैटरी में ज्वाइंट कर दिए, माइनस वाले को माइनस पे ज्वाइंट कर दिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं बैटरी जो है प्रॉपर चार्ज है, 12 वोल्ट आपको दिखला रहे हैं। सेल्फ का अगर स्विच भी हम दबा रहे हैं, देखिए बैटरी हो रहा भी, यानी कि बैटरी का वोल्ट नीचे नहीं हो रहा, डाउन नहीं हो रहा। इससे हम ये पता लगा लिए कि बाइक का बैटरी प्रॉपर सही है, यानी कि सेल्फ में प्रॉब्लम है। हो सकता है सेल्फ रिले में प्रॉब्लम होगा या फिर सेल्फ में प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले हम चेकअप करेंगे सेल्फ तक करंट प्रॉपर जा रहा है नहीं, इसके लिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा मल्टीमीटर को। एक वायर को यहाँ पे हम ग्राउंड दे दिए, देखिए दूसरा वाला यहाँ पे सेल्फ जो लगा है सेल्फ डेन, वो यहाँ पे जो रेड वाला जो वायर है पॉजिटिव। आप चाहे तो साइड पैनल को ओपन करके भी चेकअप कर सकते हैं, सेल्फ को भी चेकअप कर सकते हैं। सेल्फ में यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई देता होगा, इस पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर को एक पॉइंट को यहाँ पे टच करना है सेल्फ का। देखिए एक वायर को हमने सेल्फ पे ज्वाइंट कर, जैसे सेल्फ स्विच दबा रहे देखिए सेल्फ तक करंट प्रॉपर पहुंच रहा है। देखिए जैसे सेल्फ स्विच को छोड़ दिया करंट डाउन हो गया, जैसे सेल्फ स्विच को दबा रहे देखिए वोल्टेज, यानी कि सेल्फ तक यहाँ जो है सेल्फ तक करंट प्रॉपर पहुंच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, बाइक का यहाँ पे सेल्फ डेनमो खोल करके बाहर निकाल लेंगे। ये जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है, इस मोटर को हम खोल करके बाहर निकाल लेंगे और चेकअप करेंगे बाइक का। हो सकता है सेल्फ कार्बन डेड कर गया, सेल्फ कार्बन खराब हो गया होगा। चलिए हम आप सेल्फ को खोलना कैसे है, तो सेल्फ को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक 8 mm का 3 इंच लेकर इस बोल्ट को ओपन कर लेना है, और दूसरा जो हो गया आपको एक इस बोल्ट को ओपन करना है, क्योंकि ये बड़ा वाला बोल्ट लगा है, आपको डायरेक्ट यहाँ सेल्फ तक कनेक्शन है। दोनों बोल्ट को जैसे ही ओपन करेंगे सेल्फ जो है खुज करके बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स एक बोल्ट को देखिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, दूसरा बोल्ट जो है यहाँ पे ओपन करने के लिए आपको जाए तो यहाँ पे देखिए एक साइड पैनल लगा है, जो यहाँ पे इस पैनल को ओपन करना पड़ेगा। इस फाइबर को अगर ओपन नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से 8 mm का गोटी हैंडल लेकर के इस बोल्ट को आप प्रॉपर इस तरह से ओपन कर सकते हैं आसानी से। देखिए बोल्ट आसानी से ओपन हो गया। अब क्या इस तरफ से थोड़ा हम सेल्फ पे दबाव डालेंगे, सेल्फ जो है सो खुल करके फाइनली बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए सेल्फ असेंबली हमने खोल करके बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेकर के सेल्फ के ऊपर जो नट लगा है इस नट को आपको खोल करके बाहर निकाल लेना है यहाँ से। अगर यहाँ तक प्रॉपर आपको करंट आ रहा है तो उस टाइम हो सकता है आपका सेल्फ डेड करके खराब हो गया होगा। तब आपको सेल्फ को पार्ट बाय पार्ट ओपन करने के लिए यहाँ से दोनों बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम ओपन करके आप लोगों को दिखला रहे हैं कि कितना छोटा नट लगा है। इस नट को ओपन करने के लिए आपको इस तरह का एक गोटी रिंच लेना है, जो 5.5 mm का गोटी रिंच है ये। चलिए इस नट से, इस गोटी रिंच से हम इस बोल्ट को प्रॉपर ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक अगर हमारे चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए यहाँ पे दोनों ही वोल्ट को हमने ओपन कर लिया। अब जैसे इसको थोड़ा पुश करेंगे तो पार्ट बाय पार्ट सेल्फ जो है सो ओपन हो जाएगा। देखिए जाम पड़ रहा है, इसको थोड़ा इधर से दबाव डालना पड़ेगा, बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखिए आपको बतलाए थे ना कि सेल्फ से कट कट का साउंड आते रहता है, उस टाइम हो सकता है कि आपका बाइक का सेल्फ कार्बन खराब हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कार्बन का आप कंडीशन देख लीजिए, कार्बन किस तरह से बिल्कुल डेड हो गया, खराब हो गया है। तो चलिए हम फटाफट से कार्बन को भी यहाँ पे खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। हीरो का जो ग्लैम्बर बाइक का कार्बन है वही कार्बन लिया है। यहाँ इस बाइक में भी दो ही कार्बन आता है, जो अपाचे RTR बाइक है उसमें 4 कार्बन लगता है, लेकिन यहाँ पे R15 में 2 कार्बन लगता है। आप लोग सोच रहे कार्बन तो थोड़ा मोटा है तो इसमें फिट कैसे होगा, फिट हो जाएगा। इसको थोड़ा घसना पड़ेगा यहाँ से और इसको कटिंग करके हम फिट करेंगे। वर्कशॉप लोकल मार्केट में है और वैसे भी बिहार चलता है भाई जुगाड़ पे, तो बिहार में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से कोई भी काम हो सकता है।
ये जो हल है इस कार्बन जो है थोड़ा मोटा है, इस हल में प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। तब क्या करें, इस कार्बन को थोड़ा थोड़ा घस देंगे। घसने के लिए यहाँ पे देखिए हमने रेती ले लिया, यहाँ पे रैमर भी बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको घसना है, थोड़ा ही थोड़ा करके घस देना चाहिए, थोड़ा पतला हो जाए कार्बन प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए कार्बन जो है इसके अंदर अब प्रॉपर फिट हो गया। तो अब क्या करना है, इसी तरह से दोनों कार्बन को घस करके छोटा कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमने दोनों कार्बन को घस करके छोटा कर लिया ताकि हॉल के अंदर प्रॉपर फिट हो रहा है। अब क्या करना है, दोनों ही कार्बन को आपको यहाँ से कट कर लेना है, एक कार्बन को आपको यहाँ से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, आप मेरे लिए सब्सक्राइब तक नहीं कर रहे हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देख रहा वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लग रहा है। दोनों कार्बन को हम यहाँ देखिए कट कर लिए है, एक कार्बन को आपको क्या करना है, अगर आपके पास सोल्डिंग या आयरन है तो आप यहाँ से सोल्डिंग करके इस कार्बन पुराने कार्बन को बाहर निकाल लेना है और इस वाले कार्बन को सोल्डिंग करना है। यहाँ पर सोल्डिंग नहीं करेंगे, इसी पुराने वायर में आपको इस तरह से थोड़ा आपको ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से आप ज्वाइंट कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से हमने बहुत बाइक का सेल्फ रिपेयर किया, काफ़ी दिन तक चला है, देखिए प्रॉपर है सेल्फ कार्बन एक जो है सो प्रॉपर तैयार हो गया। अब क्या करना है, दूसरा जो कार्बन है पुराना वाला, इस पॉइंट को कार्बन को आपको यहाँ से कट करना है, ना कि यहाँ से कट कीजिएगा तो फिर आपको नट में प्रॉपर टाइट नहीं हो पाएगा। क्या करना आपको यहाँ से कट कर देना है, देखिए इसको हम यहाँ से कट कर दिए, इसको कुछ इस तरह से आपको उभरा हुआ आकार दे देना है। दोनों कार्बन को आपको उसी इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है, देखिए प्रॉपर ज्वाइंट कर लिए और दोनों का आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। देखिए हो गया नया जैसा कार्बन। चलिए अब हम इस कार्बन को भी फटाफट से यहाँ पे फिट कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पे एक कार्बन को हमने इस तरह से दबा करके ऊपर से स्पोक का लॉक बनाया ताकि स्प्रिंग जो है दबा हुआ रहे, एक स्प्रिंग यहाँ पे प्रॉपर इसके अंदर फिट है। उस वाले कार्बन को भी हम यहाँ पे उसी तरह से अंदर की तरफ पुश करके इसमें भी यहाँ पे एक हम स्पोक का लॉक इसी तरह से प्रॉपर फिट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा इसको और दबाना पड़ेगा, दोनों ही इस लॉक को हम यहाँ प्रॉपर सेटिंग कर लिए हैं। तब आपको करना क्या है, ये जो पुराना जो सेल्फ का आर्मेचर है इसको यहाँ पे थोड़ा अच्छा से सफाई कर लेना है, फिर उसके बाद इसके अंदर प्रॉपर सेटिंग कर लेना है इस तरह से। देखिए प्रॉपर ये सेल्फ आर्मेचर जो है मेरा प्रॉपर सेटिंग हो गया। आपको एक बार चेकअप कर लेना, कहीं वायर वगैरह तो कहीं टच नहीं कर रहा है ग्राउंड बॉडी से, देखिए यहाँ पे कहीं से भी वायर टच नहीं कर रहा है। सेल्फ का काम जो है मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसका हम एक कवर को फिट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं बाइक को सेल्फ से स्टार्ट करके सेल्फ स्टार्ट हो रहा है या नहीं। पंचिंग यहाँ पे क्या गया है इसको फिट करने के लिए, और एक पंचिंग आपको यहाँ पे देखिए कवर पे क्या गया, दोनों पंचिंग को आपको सेंटर करके फिट कीजिएगा, उसके बाद ही इसका दोनों बोल्ट प्रॉपर सेटिंग हो पाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए एक रेड वाले बॉन्ड यहाँ पे दिया है सुलेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो गैस्केट है पैकिंग था प्रॉपर खराब हो गया था, डेड कर गया था, बिल्कुल टूट टूट करके बाहर निकला, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा बॉन्ड सेट का यूज कर लिया ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी वॉशिंग टाइम पानी नहीं जाएगा। चलिए अब हम इसका एक कैप को प्रॉपर सेटिंग कर लेते हैं। देखिए इसका जो आपको बोले थे ना दोनों यहाँ पे पंचिंग क्या है, यहाँ पे दोनों पंचिंग आपको इसी तरह सेंटर करके प्रॉपर सेटिंग करना है। चलिए अब हम पीछे से दोनों नट को यहाँ पे प्रॉपर टेंट कर, देखिए एक ही बार में नट यहाँ पे दोनों प्रॉपर फिट हो गया। एक कोई भी यहाँ पे सूती का तावल लेकर के यहाँ पे जो भी बॉन्ड सेट लगा है बाहर उसको हम अच्छा से सफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सेल्फ का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम सेल्फ डेनमो को यहाँ पे वायर से कर रहे हैं यहाँ पे ज्वाइंट और देखते हैं बाइक को सेल्फ से स्टार्ट करके स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए सेल्फ का काम कंप्लीट हुआ, अब हम बाहर में इसको रन करते हैं। इसके लिए यहाँ पे बॉडी से टच कर लेते ग्राउंड दे देते हैं और सेल्फ को दबा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ही सेल्फ को दबा रहे, देखिए सेल्फ यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने बाइक का सेल्फ जो है प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग कर दिया, बाइक के अंदर इंस्टॉल कर दिए। अब चलिए आपको हम बाइक को सेल्फ से स्टार्ट करके दिखला रहे हैं। यहाँ पे इग्निशन ऑन है, जैसे हम यहाँ पे देखिए
जैसे सेल्फ स्विच को पुश के बाइक यानी कि स्टार्ट हो गया प्रॉपर, फिर से आपको ऑफ कर दे, फिर से सेल्फ से स्टार्ट कर, ठीक है, बाइक फिर से सेल्फ से स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से अगर आपके बाइक में भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को चेकअप कर सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।